लेखिका बता रही थी कि जब वे जीप में युमथाम के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें एक धर्म चक्र दिखाई दिया, जिसको देखने पर वह विवश हो गई कि चाहे भारतीय किसी महानगर में रहते हों, गांव में रहते हों या शहर में रहें या किसी पहाड़ी इलाके पर रहें, सबका जो धर्म के प्रति विश्वास है, आस्थाएं हैं या अंधविश्वास है, वे सभी एक समान हैं। या किसी भी कार्य को करने से हम सोचते हैं कि इससे हमें पाप लगेगा या पुण्य मिलेगा, या ऐसी अवधारणाएं और कल्पनाएं, अवधारणाएं मान्यताएं कि जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं, कि जैसे मान लो हम कहें कि झूठ बोलना पाप है और गरीबों की सेवा करना पुण्य का काम है, तो ये सारी अवधारणाएं एक जैसी हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, अर्थात लेखिका बता रही हैं कि उनकी जीप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अर्थात यहाँ लेखिका ने बताया है कि ऐसे सौंदर्य दृश्य के साथ साथ भी यहाँ के जो लोग हैं वो मेहनत से गुजारा करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर समतल स्थानों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो जब वे धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जा रहे थे तो वहाँ बाजार आदि कम दिखाई दिए और उन्होंने देखा कि वहाँ की बस्तियाँ पीछे छूटने लगी। और अब परिदृश्य में चलते चलते जो नेपाली औरतें स्वेटर बुन रही थी या युवतियाँ अपने पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए जो बोने थे, अर्थात छोटे छोटे व्यक्ति बोझे का काम कर रहे थे, ऐसे बहादुर नेपाली अब उनकी नज़रों से ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अर्थात लेखिका की जीप बहुत ऊंचाई पर चली गई थी। ऊंचाई पर जब हम नीचे झांकते हैं तो हमें ये घर, जो बड़े बड़े आलीशान महल हैं, वो भी छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। तो लेखिका कल्पना करती है कि जैसे ताश से खेल खेल में घर बनाते हैं, तो ऐसे ही पेड़ पौधों के बीच ये छोटे छोटे घर ऊपर से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शहर को छोड़कर वे बहुत ऊंचाई पर चले गए थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। अर्थात पहाड़ी पर जाने पर पहाड़ तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और नीचे का दृश्य छोटा दिखाई दे रहा था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थटनियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तित, हिमालय की हर क्षण हिमालय का दृश्य बदल रहा था। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे, अर्थात शिद्दत तीव्रता से, अधिकता से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों, अर्थात बड़े बड़े पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुफा से हम निकल रहे हैं।